एवरीवन, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम। वीडियो शुरू करने से पहले लास्ट वीडियो का रिकैप देख लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आवेश यानी चार्ज क्या है, आवेश संरक्षण का नियम, आवेशों का क्वांटमीकरण और परावैद्युत पदार्थ के बारे में हम पढ़ चुके थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी देख लो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो फिर करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। कूलाम का नियम या कूलाम्स लॉ। अब ये नियम है किसके बारे में? आपको याद होगा कि कूलाम किसका मात्रक है? ऑब्वियसली आवेश का। तो ये नियम आवेश से ही संबंधित है। अब इसमें होगा क्या, आपके पास दो आवेश होंगे जिन्हें हम Q1 व Q2 बोल सकते हैं, जो कि एक दूसरे से r दूरी पर होंगे। अब दोनों हमारे आवेश एक जगह ठहरे हुए हैं, जिसे हम स्थिर बिंदु आवेश भी बोल सकते हैं। अगर ये दोनों आवेश प्लस प्लस या माइनस माइनस हो, तो इन दोनों के बीच हमारा प्रतिकर्षण होगा। अगर ये इनमें से एक प्लस हो या दूसरा माइनस हो, या दूसरा प्लस हो या पहला माइनस हो, वो हमारा आकर्षण होगा इनके बीच। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो अब इस नियम को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। तो है क्या ही? इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल उन दोनों आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बेसिकली ये है क्या, हमारे पास ये दो स्थिर बिंदु आवेश हैं जिनके बीच प्रतिकर्षण और आकर्षण बल लग रहा है। अब वो बल इन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल यानी दोनों के मल्टीप्लाई के अनुक्रमानुपाती है, और जो इनके बीच की दूरी है उसके वर्ग यानी स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इस तरह से हमारे पास ये दो इक्वेशन आ जाती है। तो इन दोनों को एक साथ करें तो हमारा बनेगा एफ अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अब हम अनुक्रमानुपाती के इस चिन्ह को जब हटाते हैं तो हमारे यहाँ एक कॉन्स्टेंट आता है यानी नियतांक आ जाता है, जिसे हम K लिख सकते हैं। अब हमारे पास फॉर्मूला बना है F इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है और जिसका मान K इज इक्वल टू 1/4πε0 है। तो अब K की जगह 1/4πε0 रख देते हैं, तो ये फिर से हमारा फॉर्मूला बनेगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारा कूलाम का नियम है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। पहले जो हमने नियतांक लिया था के, उसका मान 1/4πε0 है, और उसे अंकों में देखें तो उसका मान है 9×10⁻⁹ है। अब 1/4πε0 में आपको 4 और पाई के बारे में तो पता है, और ये ε0 क्या है, इसे क्या बोलते हैं? तो इसे हम निर्वात में वैद्युतशीलता बोलते हैं, निर्वात यानी वायु में। अब इसका मान भी हमारे पास है, इसका मान होता है 8.85×10⁻¹2 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसकी विमा देखें तो इसकी विमा है m-1 l-3 t4 और a^2। अगर आपको विमा निकालना नहीं आता या आपको नहीं पता कि विमा क्या होता है, तो उसकी भी वीडियो मैं बना दूंगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बस यही था हमारा कूलाम का नियम। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया हो तो दोबारा से देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। और कोई डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं मुझसे। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।